प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उनको डर लगता है केजरीवाल से, केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है, और केजरीवाल से लड़ाई इसलिए लड़नी है कि दिल्ली की सरकार उनके आंख की किरकिरी बन गई है। भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज है ही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो खुद स्वयं इनकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मकसद सारी विपक्षी सरकारों को परेशान करना, तोड़ना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, और उसी मकसद में जब दिल्ली के अंदर हर हथियार अपना के, दिल्ली में, पंजाब में हर हथियार अपना के जब फेल हो गए, तो अब अंतिम हथियार के तौर पे दिल्ली की सरकार को गिराने का, विधायकों को तोड़ने का, ऑपरेशन लोटस चलाने का भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में छुपा हुआ जो एक मकसद है पहले से, उसके लिए ये फर्जी कहानियां गढ़ी जाती है। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उनको डर लगता है केजरीवाल से, केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है, और केजरीवाल से लड़ाई इसलिए लड़नी है कि दिल्ली की सरकार उनके आंख की किरकिरी बन गई है। एक ऐसी सरकार जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनवाती है, सड़कें बनवाती है, बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, मां बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, यह सरकार दिल्ली में चल कैसे रही है? इस सरकार को गिराओ, ऑपरेशन लोटस चलाओ। पहले विधायकों को खरीदने की कोशिश की, फिर हमारे दो दो मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे एकमात्र मकसद है सरकार को गिराना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों की चर्चा, दिल्ली सरकार के अच्छे कामों की चर्चा, स्वास्थ्य के, शिक्षा के मॉडल की, बिजली के, पानी के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हो रही है तो कैसे हो रही है? तो इस सरकार को गिराने का एक मकसद है। और कैसे है, आपको याद होगा, 40-40 विधायकों पर फर्जी मुकदमे किए, सुंगलू कमेटी की जांच कराई, पहले भी एक बार सीबीआई का छापा केजरीवाल जी के दफ्तर पे मारा। कब से प्रयास में लगे हुए हैं, थक गए, हार गए, परेशान हो गए, सब कुछ करके देख लिया, तो बोले अब एक ही शख्स बचा हुआ है जिसको सपने में देख के मोदी जी चौंक के उठ जाते हैं, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब उसको गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो। शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, पहली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं। आज पूरे प्रमाण सामने रखा केजरीवाल जी ने, काम मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, 14 फोन जिंदा है, 5 फोन खुद ईडी सीबीआई के पास है, 6-6 लोग अपने बयान बदल चुके हैं कि गन पॉइंट पे उनसे बयान लिया जा रहा है, मेरा नाम झूठे तरीके से डाल दिया चार्जशीट में। तो मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश है। भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज ही नहीं है मोदी जी को। अभी तक तो केजरीवाल जी ने बताया दिल्ली की विधानसभा में कि नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त अडानी की कंपनी में लगाया है। यह दिल्ली की विधानसभा में बोला हुआ, और अब 4 राज्यों के राज्यपाल जो रह चुके हैं सतपाल मलिक जी, 4 राज्यों के राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, बाद में राज्यपाल हुए, मेघालय के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के, गोवा के, वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। सुनिए ध्यान से। प्रधानमंत्री जी को
करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है, और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लोग अभी करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, तो आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है, और अल्टीमेटली एक हफ्ते में मेरा ट्रांसफर वहां से कर दिया। मैं कैसे मानूं कि करप्शन के खिलाफ? बात सुन रहे हैं, सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि गोवा के सीएम की उन्होंने शिकायत की तो एक दलाल से पूछकर उन्होंने सतपाल मलिक को फोन किया कि आपकी जानकारी गलत थी। यह है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे ये तो चार राज्यों के राज्यपाल जो रह चुके सतपाल मलिक जी, उनका बयान है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं बताते इन आरोपों के बारे में? इसमें और आगे बयान आप सुनिएगा, तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझसे एक दलाल से मिलने के लिए कहा था, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सतपाल मलिक जी। तो भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज है ही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो खुद स्वयं इनकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मकसद सारी विपक्षी सरकारों को परेशान करना, तोड़ना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, और उसी मकसद में जब दिल्ली के अंदर हर हथियार अपना के, दिल्ली में, पंजाब में हर हथियार अपना के जब फेल हो गए, तो अब अंतिम हथियार के तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता और आम आदमी की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की और दिल्ली सरकार को गिराने की एक साजिश रची। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था सीएम को, सर क्या बातचीत हुई, क्या सॉलिडेरिटी दिखाई है उन्होंने? देखिए, इस पूरी घटना पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल वार्ता की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने अपना समर्थन इस पूरे मामले में जताया है कि वो इस घटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी बयान सामने आया है, वहां के उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान सामने आया है, दूसरे अन्य नेता भी संपर्क कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। सवाल यह है कि ये अगर ये रवैया होगा कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, जो उनकी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसको गिरफ्तार करो, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि दिल्ली की सरकार को गिराने के जितने प्रयोग थे सारे के सारे प्रयोग असफल हो गए। ये अंतिम प्रयोग केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके वो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनके नाक के नीचे जो बैठी हुई है वो उनके आंख की किरकिरी बन गई है। ये पूरा मामला। धन्यवाद।